हताश निराश और टूट चुका है। अरे कहे रिसेट को, और हम लोग लगातार कहते रहे वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल इंजन की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। MSP का कोई कहीं भी इस विधेयक में जिक्र नहीं है। और मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में APMC को रद्द करने का काम किया, जो बाजार समितियां थी उसको खत्म करने का काम किया। यही वजह है कि बिहार का किसान और गरीब पे गरीब होता चला गया और पलायन करने की स्थिति आई। हमने नीतीश कुमार जी का कल रात में बयान देखने का काम किया। नीतीश कुमार जी हर बार की तरह इस बार भी उनकी पार्टी ने उन्होंने यूटर्न मारने का काम किया, चाहे नोटबंदी में हो यूटर्न हो, चाहे CA NRC NPR पे हो, या चाहे किसान बिल को लेकर के उन्होंने जो यूटर्न जो मारने का काम किया है स्पष्ट हो गया। क्या बात कहेगी JDU के लोगों ने क्या कहा कि इस विधेयक में MSP का जिक्र होना चाहिए। हम नीतीश जी पूछना चाहते कि बिहार राज्य में MSP क्यों नहीं है। बिहार में ही 2006 में सबसे पहली बार जो है बाजार समितियों को APMC को रद्द करने का काम किया गया। ये जो समर्थन आपको अरे नहीं पूरा वजन दिया समर्थन न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए बिहार में है ही नहीं। ये क्यों नहीं है ये नीतीश कुमार जी इस पे जवाब देने का काम करें। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक तीन जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं है न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है, खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया है। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यूटर्न मार रहे, अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर रहे, तो ये पूरी तरीके से फेलियर है। और हम लोगों का जिसका डर था कि NDA की सरकार आएगी देश में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो या गरीब हो, इसको मारने का काम करें। सवाल है इलेक्शन की डेट भी घोषणा हो सकती है।